तो दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ यूपी और बिहार के लोग ही देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सस्ते में और अच्छा जर्मन शेफर्ड कहां से खरीद पाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 जर्मन शेफर्ड का पिक्चर डाला है और साथ में उसका प्राइस भी डाला है। प्राइस बहुत ही कम और जेन्युइन है, ताकि आप लोगों को आगे लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कम दाम वाला दिखाऊंगा और फिर एक मीडियम दाम वाला दिखाऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले कम दाम वाले जर्मन शेफर्ड की पिक्चर देखते हैं, जो ये है। दोस्तों अगर आप इस टाइप का जर्मन शेफर्ड का अगर लेना चाहोगे पप्पी बिहार या यूपी में, तो आपका इसका कॉस्ट जो पड़ेगा ना, वो 10 से 12 हजार के अराउंड पड़ जाएगा। कहीं कहीं पे आपसे 8 हजार भी ले ले, बट इसका जो रियल प्राइस है ना, वो आपको अराउंड 5 हजार के अराउंड में सिंगल कोट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने जो अभी पिक्चर देखा वो एक सिंगल कोट का था, और सिंगल कोट का पप्पी बिहार में 10 हजार के अराउंड मिलता है, जो कि आपको 12 में भी मिल जाए। तो दोस्तों प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है ना, फिर मैं आपको बतलाता हूँ कि आप सही प्राइस में कहाँ से खरीद पाओगे। तो दोस्तों अब देखते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का। तो दोस्तों आप इस क्वालिटी का पप्पी देखो, अगर आप इस क्वालिटी का पप्पी बिहार में लेना चाहोगे ना, तो अराउंड आपको 15 हजार रुपया लगाना पड़ जाएगा, जो कि रियली में 15 हजार थोड़ा सा हाई होता है। और दोस्तों इसको भी आप अराउंड 10 हजार में खरीद पाओगे। ये पिक्चर नंबर 2 है। तो आप लोग अगर कहीं और से हो, बिहार से ना हो, तो आप प्लीज बताना कि ये पिक्चर नंबर 2 का प्राइस आप लोग के लोकेशन में कितना है, ठीक है? प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और यूपी और बिहार से जो भी लोग हैं ना, आप कमेंट देखना कि ये डॉग जो पिक्चर नंबर 2 है वो बाहर कितने में मिल जाता है। दोस्तों बिहार में इसका रेट 15 हजार के अराउंड है, जो कि रियली थोड़ा सा हाई है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टाइप की जर्मन शेफर्ड की। दोस्तों अगर आप एक बिहार में बोलोगे कि मुझे डबल कोट का चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग में, तो दोस्तों वो लॉन्ग हो या ना हो, आपको कह के भी ना, वो आपसे 22 से 23 हजार रुपया ले लेंगे, ठीक है? जो कि रियली बहुत ही ज्यादा होता है। बट इस टाइप का जर्मन शेफर्ड आपको अराउंड 15 हजार में मिल जाएंगे, जो इसका रियल प्राइस है, मैं आपको बतलाता हूँ। दोस्तों अगर आप बाहर से, तो प्लीज बताना कि ये पिक्चर नंबर 3 जो है, इसका प्राइस आप लोग के लोकेशन में कितना है, ठीक है? और बिहार से जो भी लोग हैं, तो प्लीज आप देखना कि आपके लोकेशन से कितना प्राइस वेरी करता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आपको सस्ते में कहां से मिलेगा और कहां से लेना चाहिए। देखिए दोस्तों बिहार और यूपी में आप कहीं भी चले जाओ तो प्राइस हाई होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कारण है। एक तो डॉग है नहीं, लोगों के पास सफिशियंट डॉग है नहीं, कम डॉग है जिसके कारण से डिमांड ज्यादा है और प्राइस मनमाना लोग ले लेते हैं, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जानकारी भी, हम मानता हूं कि बहुत सारे लोग को जानकारी ना होने के कारण भी ना, शॉप वाले उससे ज्यादा पैसे ले लेते हैं, ठीक है? तो चलो वो तो अलग मैटर है कि शॉप वाले ने ले लिया, बाकी देखो अब सही चीज पे सही चीज कैसे लिया जाए। दोस्तों मैंने जो आपको प्राइस बताया था ना पहले की अराउंड 5000, और दूसरे की मैंने बताया था आपको 10 हजार, और तीसरे की मैंने आपको बताया था अराउंड 15K, मतलब 15 हजार, तो इतने में आपको डॉग मिल जाएंगे, और ये सारे डॉग लिया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था, देखिए कि सबसे सस्ते में डॉग कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सबसे सस्ता डॉग दिल्ली में मिलता है। दोस्तों उसके बाद फिर मैंने एक कम्युनिटी टैब में डाला था कि एक लो बोन का सिंगल कोट में फीमेल कितने में मिल जाएगा, जो थोड़ा सा कमजोर टाइप का हो। कमजोर मतलब भी प्योर ही होता है, ऐसा नहीं कि वो प्योर नहीं है, थोड़ा सा कमजोर किसी कारणवश से हो गया हो, खाना के वजह से, या फिर जो पप्पी लास्ट में होते हैं और सिंगल कोट के हैं, तो इस तरीके का पप्पी जो फीमेल हो, इस तरीके का पप्पी आपको 3000 से 5000 के अराउंड में आपको दिल्ली में मिल जाएंगे आसानी से। क्योंकि अगर एक लो बोन का पप्पी अगर कोई 7000 या 8000 में देना, तो दिल्ली वाले लोग नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली वाले लोग तो वैसे भी ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं, और उनको स्मार्ट तो सारे जगह के लोग होते हैं, बाकी दिल्ली वाले लोगों ने डॉग को देख रखा है, और वहाँ पे अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसलिए वहाँ का प्राइस लो है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस उन्होंने लो बताया है 3000 से 5000 के बीच में, और ये रियल प्राइस है। अगर लो बोन का है पप्पी, थोड़ा सा कमजोर हो गया है, ऐसा नहीं कि कमजोर है तो हमेशा कमजोर रहेगा, खिलाने पिलाने से अच्छा हो जाएगा, तो उस तरीके का पप्पी आपको 5000 के अराउंड में मिल जाएंगे, 5000 से कम में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करो कि कॉन्टैक्ट अपना दिल्ली में कोई है,
तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर क्विकर एक ऐप होता है तो उस पर भी बहुत सारे ब्रीडर हैं, 10-15 ब्रीडर से आप लोग बात करो। वैसे मैंने एक लोग को बताया था कि आप दिल्ली से लो, तो उन्होंने भी 5,000 में एक डॉग लिया था, फीमेल था, अच्छा है। तो यहाँ पे मैं उसका प्राइस मानता हूँ 10,000 से 12,000 के अराउंड ही होगा, जो पिक्चर आप देख रहे हो। उन्होंने लिया था ये पप्पी 6,000 या 5,000 में ली थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट 5,000 में ही लिया था उन्होंने, फीमेल है। दोस्तों इसका प्राइस जो बिहार में है ना, वो 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में ही होगा, बिहार और यूपी में। तो दोस्तों प्राइस इतना ज़्यादा है, तो आप क्या करो कि दिल्ली वाले लोगों से कॉन्टैक्ट करो तो आपके लिए बेटर है, या फिर क्विकर से कॉन्टैक्ट करके अपना जैसे हो मेकअप कर लो और फिर वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी हम पेट से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर देना, और बाद में एक बेल का भी आइकन आएगा तो उसे भी क्लिक कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। टॉमी जय हिंद।